नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, हिंदी व्याकरण की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हिंदी व्याकरण में हम विकारी शब्दों में संज्ञा शब्द पढ़ रहे थे। संज्ञा शब्दों में हमने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा का अच्छे से अध्ययन किया था। संज्ञा का जो तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा, उसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो भाववाचक संज्ञा कई कारण ऐसे शब्द जो भाव का बोध कराते हैं। यहां भाव का अर्थ है मानसिक संकल्पनाएं, या हम यूं कह सकते हैं फीलिंग्स। भाव का अर्थ फीलिंग्स या मानसिक संकल्पनाएं हम कह सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा को हम यदि परिभाषित करें तो इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं कि वे शब्द जो किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द जो किसी वे शब्द जो किसी चीज या वस्तु की अवस्था, दशा, भाव का बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव का अर्थ है यहां पर मानसिक संकल्पनाएं, या हम कह सकते हैं फीलिंग्स। कहने का अर्थ है एक ऐसी संज्ञा है, ऐसे संज्ञा शब्द है जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, इन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते, इन्हें हम देख नहीं सकते, ये अमूर्त होते हैं। कहने का अर्थ है इनका कोई चित्र नहीं बनाया जा सकता। तो वे शब्द जो किसी पदार्थ या किसी चीज की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जो किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थ की अवस्था है, दशा है या भाव का बोध कराते हैं, तो सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हम लेते हैं कि ये संज्ञाएं अमूर्त होती है। अमूर्त का अर्थ है जिनकी हम मूर्ति नहीं बना सकते, जिनका हम चित्र नहीं बना सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते, उन्हें कहा जाता है अमूर्त। तो ये ऐसे शब्द है, ऐसे संज्ञा शब्द है जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते, जिनका हम कोई चित्र नहीं बना सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। कहने का अर्थ है ये मानसिक संकल्पनाएं हैं। जैसे यहां पे मैंने शब्द लिखा बुढ़ापा। अब आप लोग बूढ़े व्यक्ति का तो चित्र बना सकते हैं, लेकिन जो उसकी एक अवस्था है बुढ़ापा, उस बुढ़ापा का हम चित्र नहीं बना सकते, उसे हम केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। आने वाले समय में जब हम बुजुर्ग होंगे, बूढ़े होंगे, तब हम उस बुढ़ापे के भाव को हम महसूस कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए दर्द। दर्द एक ऐसा शब्द है, संज्ञा शब्द है जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, इसका हम चित्र नहीं बना सकते। किसी के पैर में कांटा चुभता है, उसको कितना दर्द होता है, उसको हम तभी महसूस कर पाएंगे जब वो दर्द हमें होगा। तो कहने का अर्थ है एक मानसिक संकल्पना है, एक भाव है, एक फीलिंग्स है जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसे हम देख नहीं सकते। दर्द है, बुढ़ापा है, ऐसे शब्द है जैसे मान लीजिए दया, क्रोध, घृणा, प्रेम, ये ऐसी फीलिंग्स हैं जिन्हें हम केवल महसूस कर
कर सकते हैं, तो इन शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत मानते हैं। दूसरा है, इन्हें नापा और मापा नहीं जा सकता। भाववाचक संज्ञा शब्दों को हम नापा और मापा नहीं जा सकता कहने का अर्थ है ऐसे शब्द जिन्हें हम नाप नहीं सकते, इनका माप हम नहीं कर सकते। मान लीजिए कि कोई कहता है कि मुझे एक मीटर प्रेम हुआ, यदि कोई कहता है कि मुझे एक मीटर प्रेम हुआ तो ये हास्य का विषय है, कहने का अर्थ इसे नापा नहीं जा सकता। या मान लीजिए कोई कह दे कि मुझे दो किलो क्रोध आया, तो कहने का अर्थ यह है कि ये हास्य का विषय है, इसे हाँ इन संज्ञा शब्दों को हम माप नहीं सकते, इनको नाप नहीं सकते। तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण नियम है वो ये है कि भाववाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। भाववाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है, कहने का अर्थ है जैसे दया, दर्द, क्रोध, घृणा, प्रेम, ये सारे संज्ञा शब्द हैं एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। अगर कहीं पर बहुवचन में वाक्य में इनका प्रयोग कर भी दिया जाता है तो वहां संज्ञा भाववाचक न होकर के जातिवाचक संज्ञा है वो मानी जाएगी। आगे हम पढ़ेंगे कि किन किन शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा है वो बना सकते हैं। चौथा इसका नियम है कि इनका वजन ज्ञात नहीं किया जा सकता। इनका इन संज्ञा शब्दों का वजन ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इन एग्जाम्पल से कहने का अर्थ यह स्पष्ट है कि भाववाचक संज्ञा है वो एक फीलिंग्स का विषय है, कहने का अर्थ है ऐसे शब्द, ऐसी मानसिक संकल्पनाएं जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, उनका हम चित्र नहीं बना सकते, उन्हें हम देख नहीं सकते, तो वहां पे भाववाचक संज्ञा होती है। उदाहरण है जैसे क्रोध है, घृणा, प्रेम, दर्द, ममता। अब कहने का अर्थ यह है कि अब आगे हम पढ़ेंगे कि भाववाचक संज्ञाएं हैं किन किन शब्दों से या किन किन ऐसे प्रत्यय है, उपसर्ग है, उनसे मिलकर के भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती है। भाववाचक संज्ञा के भी दो उपभेद है, एक तो है मूल भाववाचक संज्ञा शब्द, और मूल भाववाचक संज्ञा शब्दों में है जैसे दया, क्रोध, घृणा, गुस्सा, तो ये मूल भाववाचक संज्ञा शब्द है। और दूसरे होते हैं यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्द। यौगिक का अर्थ है ऐसे संज्ञा शब्द जो उपसर्ग और प्रत्यय से मिलकर बनते हैं, ऐसे संज्ञा शब्दों को हम कहते हैं यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्द। जैसे मान लीजिए आपने उदाहरण लिया ममता, यहां उदाहरण हमने लिया शत्रुता, मनुष्यत्व, तो ये ऐसे शब्द है जो उपसर्ग या प्रत्यय के योग से बनते हैं, तो यौगिक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं किन किन प्रत्ययों के जुड़ने से भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट या अपनी नोटबुक में आप लिख सकते हैं। अब ऐसे कौन से प्रत्यय हैं जिनके योग से या जिनके जुड़ने से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है, तो इनमें है पा, पन, तात्व, आवट, आहट, ये, ई, आई, ए।
इन प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए पा है, तो पा प्रत्यय जोड़ने से बनता है बुढ़ापा, बहनापा। पन प्रत्यय है, पन प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा शब्द बनता है बचपन, लड़कपन। ता प्रत्यय है मित्रता, ममता, शत्रुता। त्व प्रत्यय से निजत्व, ममत्व, अपनत्व। आवट प्रत्यय है बनावट, सजावट। आहट प्रत्यय से घबराहट, यह प्रत्यय सौंदर्य, माधुर्य। ई प्रत्यय है, ई प्रत्यय से बनता है नौकर से बन जाता है नौकरी, चोर से बन जाता है चोरी। आई प्रत्यय है तो पढ़ाई, अच्छाई। अप्रत्यय है शिशु में अप्रत्यय जोड़ने से बनता है शैशव, विभू में वैभव। तो कहने का अर्थ है इन प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। जिस किसी शब्द में भी इन प्रत्यय है, इन प्रत्ययों को देखकर हम सीधा सा सटीक उत्तर दे सकते हैं कि इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द है। आगे हम पढ़ेंगे कि किन किन से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है, कितने प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हम कर सकते हैं, जातिवाचक से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी, प्रत्यय से भी, सर्वनाम, विशेषण। तो इन किन किन से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है आगे हम पढ़ते हैं। तो भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण सबसे पहला तरीका है व्यक्तिवाचक संज्ञा से। अधिकतर विद्वान है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं मानते हैं, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। कैसे होता है हम सिद्ध करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है राम या बुद्ध, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, लेकिन इनमें प्रत्येक जोड़ने पर शब्द बनता है रामत्व, इसका शब्द बनता है बुद्धत्व। तो इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा है, कहने का अर्थ है राम होने का भाव या बुद्ध होने का। तो इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द है, इनमें है व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द। जैसे लोगों के मन से राम निकल गया, आपकी भाषा में राजस्थानी भाषा में कहा तो कल लोगों को राम निकल गया। राम का अर्थ है यहाँ राम होने का भाव, जहाँ जो राम का जो आदर्श व्यक्तित्व है, कहने का अर्थ है जिसके जो अच्छे विचार थे, अच्छे आदर्श थे, वो लोगों में नहीं रहे। तो यहाँ राम शब्द है वो भाववाचक संज्ञा शब्द होगा। अब यहाँ भी कह मांगे राम बढ़ियो साहिब, यदि कोई अच्छा काम करता है तो हम ये कह देते हैं कि तो राम बढ़ियो, तो वहां जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा शब्द होगा। तो कहने का अर्थ है व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती है, यह तो है पहला तरीका। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से और जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए बच्चा, बच्चा जो कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो इससे बनेगा बचपन,
मानव जातिवाचक संज्ञा शब्द है, इसका बनेगा मानव का। शत्रु जातिवाचक संज्ञा शब्द है तो बनेगा शत्रुता। तो जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। तीसरा है सर्वनाम से, सर्वनाम शब्दों से जातिवाचक संज्ञाएं, जैसे मम मम का अर्थ होता है मेरा, लेकिन दा प्रत्यय जुड़ने पर ममता शब्द बनता है। अपना, अपना से अपनापन भी बनता है, अपनत्व भी बनता है। मान लीजिए निज है, सर्वनाम शब्द है, निजता कह सकते हैं या निजत्व हम कह सकते हैं। निजत्व, तो ये सर्वनाम शब्दों से। चौथा है विशेषण से भी विशेषण से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती है। अच्छा, आई पट्टे जोड़ने पर अच्छाई, बुराई, सुंदर से सौंदर्य, मधुर से माधुर्य, तो विशेषण से भी हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। क्रिया लेते हैं, पांचवा है क्रिया से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती है। क्रिया शब्द है जैसे पढ़ना, पढ़ना से पढ़ाई, लिखाई, आई प्रत्यय जोड़ने पर लिखाई, परिभाषित करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो अंत में लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।